दो बच्चों की मां को हुआ नेपाली युवक से प्रेम, प्रेम दीवानी महिला ने नेपाली प्रेमी के साथ मिलकर अपने ही पति की करवा दी हत्या। दरअसल वैशाली जिले के रुस्तमपुर थाना इलाके में एक माह पूर्व स्कूल गार्ड की हत्या हो गई थी। मामले में वैशाली पुलिस ने सफल उद्भेदन करते हुए प्रेम प्रसंग में पत्नी ने प्रेमी और उसके दो दोस्त के साथ मिलकर अपने पति की हत्या करवाने का खुलासा किया है। पुलिस ने पत्नी समेत चार व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। हत्या में प्रयुक्त एक लोडेड देसी कट्टा, पांच मोबाइल भी बरामद किया गया है। वैशाली एसपी ने प्रेस वार्ता कर मीडिया को बताया कि मृतक स्कूल गार्ड जितेंद्र कुमार के पत्नी रेखा देवी को सिक्स लेन पुल में काम कर रहे एक नेपाली युवक से अवैध संबंध था। पति उसको लेकर विरोध कर रहा था, जिसके बाद एक साजिश रचकर पत्नी ने ही अपने पति को गोली मारकर हत्या करवा दिया। आरोपी पत्नी दो बच्चों की मां है। रुस्तमपुर ओपी अंतर्गत एक हाई स्कूल के गार्ड जितेंद्र कुमार की गोली मारकर अज्ञात अपराधकर्मियों के द्वारा हत्या कर दी गई थी। इस संदर्भ में कांड संख्या 299/23 दर्ज किया गया था। इस घटना की गंभीरता को देखते हुए सदर एसडीपीओ के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया था, जिसमें रुस्तमपुर ओपी के पदाधिकारी और डीआईओ के पदाधिकारी और कर्मी शामिल थे। इस टीम के द्वारा कार्रवाई करते हुए मानवीय सूचना एवं तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर इस कांड का सफल उद्भेदन कर लिया गया है। इस घटना में शामिल कुल चार अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। इन गिरफ्तार अपराधकर्मियों के पास से एक देसी कट्टा, एक जिंदा कारतूस, पांच मोबाइल फोन और घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल को बरामद किया गया है। इस घटना का मुख्य कारण मृतक की पत्नी का एक गिरफ्तार अपराधकर्मी के साथ अवैध संबंध है। सर, महिला है क्या कुछ भूमिका, कौन महिला है ये? ये महिला मृतक की पत्नी है और जो तीन अपराधकर्मी गिरफ्तार हुए हैं उनमें से एक के साथ इसका। 9 वर्ष 2024 एवं मकर संक्रांति की वैशाली जिला सहित लालगंज प्रखंड और ग्राम पंचायत राज बसंता जहानाबाद के महान जनता को 9 वर्ष की मुबारकबाद और मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामना।